हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चैप्टर की। हमने पिछले वीडियो में 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के पार्ट फर्स्ट के सिलेबस का अध्ययन किया, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो था उसका जो चौथा चैप्टर है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके अंतर्गत हमारे इस सिलेबस के अंदर तीन मुख्य टॉपिक आपके समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, एक्स बार एम और जेड। इसके अंदर देखो, सबसे पहले ये क्या चीज है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसको केंद्रीय प्रवृत्ति क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी माप है केंद्रीय प्रवृत्ति से संबंधित, ये सभी माप जो है पूरी समांक श्रेणी के केंद्र की प्रवृत्ति को व्यक्त करते हैं। जैसे समांतर माध्य औसत है, ये केंद्र को की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। क्योंकि केंद्र की प्रवृत्ति को कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा के अंदर 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनकी हाइट जो है वो एक जैसी नहीं होगी। किसी की 5 फुट है, किसी की 5.5 फुट है, किसी कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट से भी कम का है। जब आप इन सबका औसत ज्ञात करोगे तो ये औसत जो है वो लगभग बीच का होगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट जो है वो 5 से 6 फीट की हाइट के बीच में है, ठीक है, मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 6 मान लीजिए, तो औसत जो है वो 6 जो सबसे उच्चतम मूल्य होगा उसके बराबर नहीं होगा, या जो सबसे निम्नतम होगा उसके बराबर नहीं होगा, लगभग ये जो है वो सेंटर के अंदर होगा। हालांकि औसत जो है वो एकदम केंद्र को व्यक्त नहीं करता, लेकिन इसकी प्रवृत्ति जो है वो लगभग सेंटर की होती है। तो वो जो औसत निकलेगा उसके अंदर कुछ विद्यार्थी उससे कम हाइट के होंगे, कुछ ज़्यादा हाइट के होंगे। तो इस तरह से ये औसत जो है वो सेंटर को व्यक्त करता है। इसी तरह से मध्यका तो बिल्कुल सेंटर का बिंदु ही होता है, मध्य अंक। बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करता है, क्योंकि बहुलक जो है वो सामान्य भाषा में आप इसे क्या बोल सकते हो, सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य, यानी कि सबसे बड़ी आवृत्ति वाला मूल्य जो है वो बहुलक होता है साधारण भाषा में। लेकिन इसकी भी आगे स्थितियां अलग हो सकती हैं। तो इसमें देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है इसमें दो तरह के औसत या माप हो सकते हैं। एक तो गणितीय माप और एक जो है वो स्थिति संबंधी माप। ये दो तरह के माप होते हैं। अब देखो, गणितीय माप जो है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, आपके एक समांतर माध्य, इसको अरिथमेटिक मीन बोल सकते हो, ठीक है, या सीधा मीन बोल दीजिए। इसी तरह से गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं इसको, और इसी तरह से एक है हरात्मक माध्य, इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये समांतर माध्य साधारण जिसे माध्य कहते हैं वो है गणितीय माध्य, सीधे इसको ही बोल सकते हो आप, ये GM, ये HM। ये गणितीय माध्य है। स्थिति संबंधी माध्य जो होते हैं वो है हमारे इसके अंदर मध्यिका, मीडियन, इसी तरह से विभाजन मूल्य जितने भी हैं, सप्तमक है, दशमक है, अष्टमक है, ये सभी विभाजन मूल्य जो है ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, स्थिति संबंधी माप से संबंधित है ये, और इसी तरह से बहुलक। तो अब आपके सिलेबस में ये मध्यिका है, मीडियन है, ये बहुलक मोड है, जिसको आप बहिष्टक भी बोल सकते हो, बहिष्टक। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। इनमें आपके सिलेबस में जो है वो कौन कौन से टॉपिक है हमारे, एक तो है समांतर माध्य, ये टॉपिक रहेगा, एक हमारा मध्यिका है, और एक जो है
इसमें बहुलक है, यही आपने 10th क्लास में पढ़े हैं लास्ट ईयर। और इसमें कुछ जो है आपने जो विभाजन मूल्य है इसके बारे में थोड़ा बहुत मिलेगा हमें, बाकी जो है इनका जनरल हम परिचय ही करेंगे। डिटेल से जो टॉपिक है आपका समांतर माध्य का, मध्यिका का और बहुलक का, ये टॉपिक है इसमें। अब इसके अंदर देखो हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करेंगे समांतर माध्य की, लेकिन उससे पहले आपको श्रेणियों के प्रकार पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक ज्ञात करते हैं तो जो जिस तरह की श्रेणी है उसके हिसाब से उसमें फॉर्मूला लगेगा। देखो श्रेणियां जो होती है सीरीज आपको मुख्य रूप से तीन प्रकार की मिलेगी। एक होती है व्यक्तिगत श्रेणी, कौन सी व्यक्तिगत श्रेणी, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक करने से पहले, क्योंकि यही आपके तीन टॉपिक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का जो आपका चौथा चैप्टर है उसके अंदर ये तीन टॉपिक है, तो ये तीनों टॉपिक जो है आपको व्यक्तिगत श्रेणी में भी ज्ञात करना है, आपको खंडित श्रेणी जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें भी करना है, और आपको अखंडित श्रेणी इसके अंदर भी करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करते समय व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी के फॉर्मूले अलग अलग होंगे, जिस तरह की श्रेणी होगी उस तरह का इसमें सूत्र लगेगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, खंडित श्रेणी क्या है, अखंडित श्रेणी क्या है। देखो इंडिविजुअल सीरीज जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें आपको व्यक्तिगत मूल्य दिए होंगे, जैसे आपको इंडिविजुअल कोई 5 व्यक्तियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं, 10 के प्राप्तांक अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी कहेंगे। या सीधी भाषा में आप ये कह सकते हो जब आपको किसी क्वेश्चन में केवल मूल्य दिए हो, केवल मूल्य है, उसको हम क्या कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। जैसा इसका उदाहरण देखो, अगर आपको ये दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, क्या दे दिया जाए कि निम्न विद्यार्थियों के 5 विद्यार्थियों के ये प्राप्तांक है, निम्न प्राप्तांक है 5 विद्यार्थियों के, जैसे 100 अंक का टेस्ट लिया, एक के 50 है, एक के 60 है, एक के 65 है, एक के 75 है, एक के मान लीजिए 90 है, ये 5 विद्यार्थियों के ये प्राप्तांक दे दिए। इसमें आपको ये नहीं कहा कि 50 अंक प्राप्त करने वाले 2 हैं, 10 है, 20 है, कुछ नहीं कहा। इंडिविजुअल 50 अंक एक व्यक्ति लेके आ रहे हैं या एक विद्यार्थी लेके आ रहे हैं, 60 अंक एक विद्यार्थी लेके आ रहे हैं, 65 अंक एक विद्यार्थी लेके आ रहा है, 75 और 90 एक एक विद्यार्थी, 5 विद्यार्थियों ने ये व्यक्तिगत रूप से ये अंक प्राप्त किए इंडिविजुअल, इसलिए इस सीरीज को हम क्या कहेंगे व्यक्तिगत श्रेणी कहेंगे, क्योंकि इसमें केवल मूल्य दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। खंडित श्रेणी के अंदर क्या होता है कि मूल्य के साथ आवृत्ति भी दी होती है। इस श्रेणी में क्या होगा, मूल्य तो होगा प्लस आवृत्ति भी रहेगी। जैसे अगर आपको ये कह दिया जाए कि इन्हीं प्राप्तांक में ये कह दिया जाए कि प्राप्तांक और आवृत्ति यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, आवृत्ति जो है वो संख्या होती है, आपको ये कह दिया जाए कि 50 अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 60 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 65 अंक प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थी हैं, 75 अंक प्राप्त करने वाले जो है वो 7 विद्यार्थी हैं, और 90 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं। अगर आपको इस रूप में श्रेणी दी होती है तो ये फिर श्रेणी इंडिविजुअल नहीं है, ये श्रेणी कौन सी कहलाएगी, ये श्रेणी खंडित श्रेणी कहलाएगी। अब इसको खंडित क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्राप्तांक है उसके अंदर सीरीज हमारी जो वो टूट रही है, 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं 2, अब 50 से 60 के बीच में अंक प्राप्त करने वालों की इस सीरीज के अंदर व्याख्या नहीं है, सीरीज टूट चुकी है। 50 के बाद में सीधा क्या है 60, 60 के बाद में 65, 65 के बाद में 75, तो बीच वाले जो 10 10 15 जो है वो इसके अंदर 5 या 15 जो वो इसके अंदर नहीं दिए हुए, सीरीज हमारी टूट रही है, खंडित हो रही है, इसलिए इसको कौन सी सीरीज कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, इसको खंडित श्रेणी कहेंगे। अब जो अखंडित श्रेणी होती है यानी कि आपने व्यक्तिगत श्रेणी में केवल मूल्य ये दिया होता है,
और खंडित श्रेणी में मूल्य के साथ में आवृत्ति भी दी होती है। तो खंडित श्रेणी में मूल्य प्लस आवृत्ति होती है। अब हमारी जो तीसरी श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी के अंदर क्या होता है, इसमें भी मूल्य होता है प्लस आवृत्ति होती है, लेकिन अंतर होता है इसमें, मूल्य जो होते हैं वो इसमें वर्गांतर के रूप में दिए होते हैं। अखंडित श्रेणी के अंदर मूल्य वर्गांतर में दिए होते हैं और इसीलिए इस सीरीज को हम सतत सीरीज भी कहते हैं, कंटिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। सतत श्रेणी, सतत श्रेणी का मतलब हमारी श्रेणी जो है वो कहीं भी टूट नहीं रही। जैसे आपको ये दे दिया जाए 50 से 60 के बीच में दो विद्यार्थी अंक प्राप्त करते हैं, 60 से 65 के बीच में 3 विद्यार्थी अंक प्राप्त करते हैं, 65 से 75 के बीच में 8 विद्यार्थी, 75 से 90 के बीच में 7 विद्यार्थी और 90 से अधिक या फिर 90 से 100 कर दीजिए 3 विद्यार्थी। तो इस सीरीज में भी मूल्य दिए हुए हैं और आवृत्ति दी हुई है, लेकिन मूल्य किसमें है? वर्गांतर में। प्राप्तांक आपको वर्गांतर में दिया हुआ है। हमारी सीरीज छोटे मूल्य से लेकर बड़े मूल्य तक कहीं भी नहीं छूटती। 50 से लेकर 100 तक के जितने भी अंक हैं वो सब आ गए इसमें, यानी कि सीरीज हमारी कंटिन्यूस चलती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम अपने सतत श्रेणी कहते हैं, कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। 50 से लेकर 100 तक कोई भी किसी भी तरह का अंक है वो सब शामिल है इसमें। तो इसको अखंडित श्रेणी, यानी कि इसमें खंड नहीं है, तो ये सीरीज हमारी सतत है। अब इसमें खंड होता है इसलिए इसको असतत भी कह सकते हैं, असतत जो कंटिन्यूस नहीं है इसको असतत श्रेणी भी बोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, चाहे वो समांतर माध्य का है, मध्यिका का है, बहुलक का है, आपको श्रेणियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर केवल मूल्य होगा, खंडित श्रेणी के अंदर मूल्य के साथ में आवृत्तियां भी होगी, अखंडित श्रेणी के अंदर भी मूल्य होता है लेकिन वर्गांतर के रूप में होता है। तो मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया। अब सीधे व्यक्तिगत मूल्य इस तरह के दिए होंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी, अगर इन मूल्यों के साथ में आवृत्ति भी दी होगी तो उसको खंडित श्रेणी, और ये जो मूल्य है अगर वर्गांतर के रूप में दिया होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सतत श्रेणी कहेंगे। तो अब हम इन श्रेणियों के अंतर्गत सबसे पहले टॉपिक हमारा जो है समांतर माध्य, उसका अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। देखो सबसे पहले हम इसके अर्थ की बात करते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य पहला टॉपिक आपका, समांतर माध्य का अर्थ क्या है? आपने छोटी क्लासों से पढ़ा है, सिक्स क्लास से के बाद में ये शुरू हो जाते हैं। समांतर माध्य किसको व्यक्त करता है? ये तो औसत को व्यक्त करता है। आपने ये औसत जो है, एवरेज, ये छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, ये एवरेज क्या चीज होती है, औसत। और औसत ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला छोटी क्लासों में पढ़ा है, वो कौन सा होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब कैसे, जैसे मान लीजिए कि 5 विद्यार्थियों ने 10 अंक का जो है वो टेस्ट लिया, उसमें जो 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त अंक प्राप्त किए, 5, 3, 7, ठीक है, मान लीजिए 10 और 5, ये अंक प्राप्त किए। अब इनका औसत ज्ञात करना हो कि 5 विद्यार्थियों ने औसतन अंक जो है वो तो कितने प्राप्त किए, तो राशियों का योग, राशियों का योग 5 + 3 + 7 + 10 + 5 और बटा में राशियों की संख्या, कितनी संख्या है, 5 है। आप इन राशियों का योग कीजिए, संख्या का भाग दीजिए और इसका औसत ज्ञात कर लीजिए। ये हो गया 5, 3, 8, 7, 15, 10, 25 और 5, 30, 30 / 5, 6 एवरेज कितना आया, औसत। ये क्या चीज है, ये अंक है, 6 अंक औसतन प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो 6 अंक प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो अब देखो सबसे छोटा मूल्य कौन सा था, 3, सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है, 10, लगभग इनके सेंटर में ही आ रहे हैं, एग्जैक्ट सेंटर नहीं होता ये एवरेज जो है, लेकिन फिर भी ये केंद्र की प्रवृत्ति ही होती है, लगभग सेंटर में ही होता है। तो जो आ रहा औसत होगा उससे कुछ कम अंक प्राप्त करने वाले भी होंगे, कुछ विद्यार्थी जो वो ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले भी होते हैं इसमें, इसलिए ये केंद्र की प्रवृत्ति को व्यक्त करती है। तो ये आपने जनरल जो सूत्र है ये छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये पढ़ा हुआ आपका, यही औसत होता है। और ये समांतर माध्य जो है ना ये भी औसत ही है। तो
इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले अगर आपको व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर करना हो, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर समांतर माध्य ज्ञात करने की दो रीतियां हैं मुख्य रूप से। एक है प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। पहली रीति कौन सी है? डायरेक्ट मेथड। और दूसरी रीति जो है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रीति, इन डायरेक्ट मेथड। ये दो रीतियां हैं। तो देखो प्रत्यक्ष रीति में आपको क्या करना है, आपको जो मूल्य दिए हुए हैं उनका, जैसे हमने जो औसत का भी सूत्र किया था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उसी तरह से करना होगा। आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है समेशन एक्स अपॉन एन, इसको सिग्मा ही बोल देते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स पर का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स अपॉन एन। अब आपको देखो समेशन ये योग को व्यक्त करता है, एक्स एक्स यानी कि मूल्य है, तो इसका योग करना है और राशियों की संख्या का भाग देना है। एन क्या चीज है? राशियों की संख्या। अगर आप इसकी सूत्र की व्याख्या करें, एक्स बार क्या चीज है? समांतर माध्य है, जो कि किसको व्यक्त करता है? औसत को। समेशन एक्स क्या चीज है? जितने भी मूल्य हैं उनका योग, यानी कि प्रत्येक मूल्य का योग, मूल्यों का योग, जितने भी मूल्य दिए हैं। और एन क्या चीज है? इन मूल्यों की संख्या है, इन मूल्यों की संख्या। अगर आपको जैसे ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया, वही क्वेश्चन दिया हो कि पांच विद्यार्थियों के निम्न अंक है, पांच विद्यार्थियों के निम्न अंक है, ये क्वेश्चन दे दे आपको, और आपको इसका औसत ज्ञात करना है। अभी कोई भी उदाहरण ले लीजिए, हमने उदाहरण लिया पांच तीन सात दस और पांच, ये अभी उदाहरण किया हमने। इसके अंदर देखो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो ये एक व्यक्तिगत श्रेणी है क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, इंडिविजुअल जो है इसमें मूल्य दिए हुए हैं प्रत्येक के भी, पहला विद्यार्थी इतने अंक प्राप्त कर रहा है, दूसरा इतने, तीसरे इतने, पांचों का दिया हुआ है। आप इसको सीरीज में भी लिख सकते हो, ये मूल्य है, ठीक है ना, मूल्य पहला। आप चाहे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, आरोही क्रम में, या अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो, चूंकि औसत है तो इसमें आपको किसी भी ऑर्डर में लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप सीधा जैसे वैसे भी लिख सकते हो, पांच तीन सात दस और पांच। अब इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कोई है नहीं, आपको सीधे व्यक्तिगत मूल्य दिए हुए हैं। आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में अगर आपको प्रत्यक्ष रीति से करना है तो ये फॉर्मूला होता है। ये क्या चीज है? मूल्य। मूल्य को क्या कहते हैं? एक्स से संकेतित करते हैं, ये एक्स जो है वो मूल्य है, वाई से भी कर सकते हैं। तो आप मूल्य जो है उसको एक्स से संकेतित कीजिए, समेशन एक्स यानी कि मूल्यों का योग, ये जो मूल्य है इनका योग, समेशन एक्स। अभी हमने किया कितना था? तीस, पांच तीन आठ, सात पंद्रह, दस पच्चीस और पांच तीस। और पदों की संख्या कितनी है? एक दो तीन चार पांच, पांच पदों की संख्या। चाहो तो आप इसको क्रम संख्या दे सकते हो, क्रम संख्या एक दो तीन चार पांच, इसको किसी ऑर्डर में लगाने की आवश्यकता नहीं, लगाना चाहो तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, चाहे तो जैसा क्वेश्चन पड़ा है वैसे हल कर सकते हो। तो हमें दो ही चीजें चाहिए इसमें, एक तो आपको राशियों का योग चाहिए, अपने जितने भी मूल्य है उनका योग चाहिए, जितनी भी राशि है उनका, और फिर इन राशियों की संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है। आप क्रम संख्या दोगे तो इसमें संख्या आ जाएगी। फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स का मान कितना है? तीस, और संख्या कितनी है? पांच। अब ये हमारा समांतर माध्य हो गया, कितना है? सिक्स। ये अभी हमने जो सामान्य सूत्र लिखा था वही सूत्र है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन इसको हमने यहाँ सूत्र रूप में लिख दिया। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन को अप्रत्यक्ष रीति से करना हो, इसी क्वेश्चन को हमें इनडायरेक्ट मेथड से करना हो, तो कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होगा, अपने कल्पित माध्य मान लीजिए आप ए, ए या ए एक्स फुट में, एक्स भी लिख सकते हो इसके, या चाहे आप सीधा ए लिख दीजिए, प्लस स्मेशन डी, चाहे सीधा डी लिख दीजिए या इसके फुट में एक्स लिख दीजिए। फुट में एक्स लिखने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमने ये एक्स श्रेणी से कल्पित माध्य माना है, और हमने जो विचलन लिया है, डी डेविएशन विचलन जो लिया है वो एक्स श्रेणी से लिया है,
चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें ए प्लस मेसनरी अपॉन एन, चाहे आप इसके फुट में एक्स भी लिख सकते हो इस तरह से। इसका मतलब हमने ये एक्स श्रेणी से एज्यूम माना गया जो है कल्पित माध्य है, माना गया माध्य है हमारा, और ये क्या डेविएशन है किसमें से, एक्स श्रेणी में से विचलन। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये इसकी व्याख्या करते हैं। ए एक्स अपनी मर्जी से कोई भी कल्पित माध्य मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि ये हमारा माध्य है, कल्पित माध्य हो गया। इसके बाद में और क्या बचा इसमें, डी एक्स। डी एक्स क्या चीज है, एक्स में से आपको क्या घटाना है, इसी ए एक्स को घटाना है। ये एक्स श्रेणी है, इसमें से जो आपने कल्पित माध्य माना है उसको घटाइए। तो डी एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस ए एक्स, यानी कि डी विचलन है, डेविएशन है किसका, मैन जो श्रेणी दी हुई है हमारे जो मुख्य मूल्य दिए हुए हैं उनका, मुख्य मूल्यों का कल्पित माध्य में से अंतर जो है, विचलन जो है, कितना अंतर है, विचलन है, उसको हम डी एक्स से संकेतित करते हैं ये है। और जब आप ये ज्ञात कर लोगे, इसका योग करोगे, तो फिर इसके अंदर क्या है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा स्मेशन डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स क्या चीज है, एक्स माइनस ए एक्स, और स्मेशन डी एक्स क्या चीज हो गया, मूल मूल्य जो है हमारे मूल्यों में से कल्पित माध्य घटाकर, कल्पित माध्य घटाकर प्राप्त किया गया योग, प्राप्त किया गया योग। तो मूल्यों में से यानी कि x में से कल्पित माध्य घटाया ax, और फिर इसका योग किया, ये किसके बराबर है, dx के बराबर, तो इसमें dx हो गया। या आप एक बार सीधा ये लिख दीजिए कि dx क्या चीज है, यहां x में से ax को घटाया ये है, और घटाने के बाद जब आप इसका योग करोगे तो इसका भी योग हो जाएगा, यानी कि इसका जब योग करोगे तो उसमें dx होगा, और वो n वही पदों की संख्या है, कितने हैं पद, वो टोटल इस क्वेश्चन के अनुसार कितने हैं, 5 हैं पदों की संख्या। अब देखिए आप कैसे क्वेश्चन करोगे, अभी हमने ये क्वेश्चन प्रत्यक्ष रीति से किया था इस फॉर्मूले में, अब वही क्वेश्चन जो पहले हमने किया अप्रत्यक्ष रीति से करते हैं, जिसके अंदर ये फॉर्मूला होगा, आप जितने भी मूल्य दिए हुए उसमें से कोई भी अपनी मर्जी से कल्पित माध्य चुन लीजिए, कोई भी चुन सकते हो, सबसे बड़ा मूल्य भी ले सकते हो, सबसे छोटा मूल्य भी, और प्रयास ये रखो कि पॉजिटिव नेगेटिव मान जो है लगभग बराबर से रहे, तो लगभग सेंटर में से कोई मूल्य चुन लीजिए, हम यहाँ इसमें 5 चुन लेते हैं, कल्पित माध्य मान लीजिए 5 है, वैसे कोई भी ले सकते हैं। तो इसका विचलन एक्स में से ए एक्स कटाएंगे, ये अपनी मर्जी से मान लिया, ठीक है। फिर जो भी आपने अपनी मर्जी से कल्पित माध्य चुना है उसको हम प्रत्येक मूल्यों में से घटाएंगे, जैसे 5 ये एक्स का मूल्य है, और एक्स का मूल्य हमने कितना माना है, 5, ये घटा दिया। हमारा जो मूल्य है 3, एक्स कितना है 3, देखो एक्स 3 और एक्स हमने कितना माना, 5। अब हमारा मूल्य एक्स कितना है, ये एक्स मूल्य कितना है 7, और कल्पित माध्य हमारा कितना है 5, ये 10, 5, ये 5, 5, ये कितना बच गया 0, ये कितना है माइनस 2, ये कितना है प्लस का 2, ये कितना है प्लस का 5, और ये कितना है 0। अगर आप इस सब का योग करोगे तो पॉजिटिव मान को जोड़ लीजिए, पॉजिटिव के कितने 5 प्लस 2 7 है, नेगेटिव कितना है 1 ही है माइनस 2 का, तो 1 ही संख्या इसमें माइनस 2, पॉजिटिव 2 संख्या है, 1 प्लस 2 और 1 जो है प्लस 5, तो ये 5 अंक, एक संख्या 5 और एक ये 2 है, इसका योग किया पॉजिटिव को और इस नेगेटिव में से घटा दिया, 7 में से 2 घटाया, तो स्मेशन डी एक्स, क्योंकि डी एक्स का मान है, और जब इन सब का योग करोगे तो स्मेशन कितना हुआ, चाहे 2 से 2 काट दीजिए, प्लस से ये माइनस है, यहाँ कितना हो गया प्लस के 5। तो जब आप इसका योग करोगे तो योग फल कितना आएगा, 5। अब इस सूत्र में मान रख दीजिए ए एक्स हमने कितना माना, इस क्वेश्चन के अनुसार 5 माना, ए एक्स कितना माना 5, प्लस स्मेशन डी एक्स कितना है, ये भी 5 है, प्लस का 5 है, पदों की संख्या वो भी कितनी है, टोटल पद कितने हैं 5, ये भी 5 है। तो अब 5 प्लस, प्लस 5 में प्लस 5 का भाग दिया तो 1 आएगा, x बार कितना हो 5 प्लस से 6। पीछे हमने जब प्रत्यक्ष रीति से किया था, ये डायरेक्ट किया था,
डायरेक्ट हमने क्या किया, योग किया पदों की संख्या का और जितनी भी संख्या दी हुई थी उनका योग किया संख्याओं का और पदों की संख्या का भाग दे दिया। तो प्रत्यक्ष रीति में संख्याओं अपने जो पद हैं जितने भी मूल्य हैं उनका योग किया और उन मूल्यों की टोटल संख्या कितनी है उसका भाग दिया, ये किया था हमने। और यहाँ जो है हमने कल्पित माध्य लेकर क्वेश्चन किया। ये रीति जो है वो ज़्यादा आसान रहती है क्योंकि सामान्य उदाहरण दिया हुआ है, जब डेटा हमारे थोड़े टिपिकल दिए हों गणना ज़्यादा करनी पड़े हमें तो हमें कल्पित माध्य से करना काफ़ी आसान रहता है, तो इस रीति से ही करना चाहिए अगर आपको नहीं दिया हुआ तो। तो ये हमने व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर दो रीतियाँ की, प्रत्यक्ष रीति और अप्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति का सूत्र हमारा एक्स बार बराबर समेशन एक्स अपॉन एन है और अप्रत्यक्ष रीति जो है उसका फॉर्मूला एक्स बार बराबर ए एक्स प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन है। अगर आपको इस तरीके से करना है तो सिर्फ मूल्य का योग करना है, ठीक है, ये किया और पदों की संख्या है सीधा भाग देकर ज्ञात कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कल्पित माध्य मानते हुए करना है तो फिर इसके योग की जरूरत नहीं है, आप इसमें से कल्पित माध्य चुनिए फिर विचलन लीजिए, प्रत्येक मूल्य में से ये कल्पित माध्य घटाकर उस विचलन डी एक्स डेविएशन का योग कीजिए, यही हमें चाहिए। एन वही पदों की संख्या है, आप इस फॉर्मूले में मान रखिए और जब आप ज्ञात करोगे तो चाहे आप इस रीति से करो या इस रीति से आंसर हमारा वही आएगा। तो ये हमारी व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर फर्स्ट रीति जो है हो गई। धन्यवाद।